नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी जैन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने द ट्रेडिशनल कुकिंग में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की इडली। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इडली बनाने की। दोस्तों पनीर इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1/2 कप मैं इसमें बेसन का इस्तेमाल करूँगी, 1/2 कप सूजी और बेसन को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें 1 कप मैं इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी। सूजी हम कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली मोटी वाली जो आपके पास है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करूँगी। दही बेसन सूजी मिक्स हो गया है, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इडली बनाने के लिए हमें दोस्तों जो बैटर चाहिए वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें नमक बेसन सूजी सब मिक्स हो गया है और हमारा बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है हमें, और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। दोस्तों देखिए बिल्कुल हमारा बैटर बन गया है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करूंगी। एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करूंगी। देखिए दोस्तों ये अभी बैटर हमें काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये सारी सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी और हमारा बैटर इडली बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा सूजी अच्छे से फूल गया है और हमारा बैटर एकदम रेडी है इडली बनाने के लिए। और इसके बाद मैं लास्ट में इसमें कद्दूकस करा हुआ पनीर ऐड करूंगी। मैंने ये 1 कप पनीर कद्दूकस किया है, इसे भी हम इसी में ऐड करेंगे। पनीर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद देखिए हमारे बैटर को देखिए आप दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, जैसे हम इडली बनाने के लिए नॉर्मल जो इडली बनती है वैसा ही बैटर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में इसमें जो इनो फूड सॉल्ट है मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी। ये इनो फूड सॉल्ट मैंने लिया है 1 चम्मच, और उसके बाद में इसके ऊपर में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, हल्के हाथों से बस मिक्स हो जाए उतना ही। और इधर देखिए दोस्तों मैंने इसमें ना इडली स्टैंड को मैंने प्रीहीट होने के लिए रखा है और ये अच्छे से गर्म हो गया है, और इधर हमारा बैटर भी तैयार है, तो हम एक एक करके इडली के सांचों में थोड़ा सा ऑयल लगाते जाएंगे और इडली को रेडी करेंगे। हमने ऑयल लगाया और थोड़ा थोड़ा सा बैटर हम इस पर डालते जाएंगे।
को सेट करते हुए हमारा जो स्टैंड रेडी है बिल्कुल अच्छे से तो भाप बन चुका है और इसी तरीके से हम दूसरा भी इडली का जो साचा है उसको मैं भी बैटर को डाल के और रेडी करूँगी। तो इसी तरीके से हम सारी इडलियाँ बना के रेडी कर लेंगे। हमारा जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए। लगा दिया है और अब हम इसको कवर करके 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों 12 मिनट हो गए हमारी इडली को पकते हुए और हम चाकू की सहायता से इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों हमारा चाकू एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारी इडली पक के तैयार है। बहुत अच्छे से इडली पक गई है हमारी। हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और उसके बाद हम इसमें से सारे स्टैंड्स को एक कपड़े की सहायता से बाहर निकालेंगे और हम अपनी इडली को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसमें से सारे स्टैंड को दोस्तों बाहर निकाल लिया है और अब हम अपनी इडली को आराम से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम साँचों से इडली को बाहर निकालेंगे। दोस्तों हमारा स्टैंड मतलब ये इडली पूरी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक चम्मच की सहायता से हम सारी इडलियों को बाहर निकालेंगे। एक एक करके हम इस प्लेट में निकालते जाएंगे इसको। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी इडली बन गई है, तो हमारी गर्मा गर्म इडली बन के तैयार है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इनको हम नारियल की चटनी के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर हम सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनी है, खासकर बच्चों को बहुत पसंद आती है। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।